कभी कभी हमनी सोची ला जा कुछ करे की, बाकी जब असलियत में सामना करी ला जा तो नतीजा कुछ बदल जाला। ऐसे ही बा चेतन सिबालक जी के जीवन कहानी। उगलरलन भारत के विश्वविद्यालय में कुछ पढ़े, दिमाग में कुछ सपना रहल, दिल में कुछ इच्छा लेके गईलन, और जब हुआ की परिस्थिति के सामना होल तो तनिसन बदलाव आये उकर रास्ता में। तो चला जा चेतन ही से सुनी ला जा। और फिर हम गए इंडिया डांस सीखे, इंडियन क्लासिकल डांस, कथक। तो वहाँ पर डांस जब पहला साल में लेनी तब हमके पास था एगो साइड सब्जेक्ट लेके, तो हम सब संगतिया जो रही यूनिवर्सिटी में इंडिया में गई खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, तब उनसे आर्ट फासिला ले रहा हम, नहीं नहीं आर्ट तो हम नहीं जानी ना करें, आर्ट नहीं जानी ना हम लोग के बोलिए पोषक बोली, नहीं नहीं आर्ट हम नहीं सकब ले, हम नहीं जानी ना बहुत थोड़ा बहुत जानी ना आर्ट हम उतना नहीं जानी ना कैसे करा जा रहा, बोल सर नहीं नहीं तू ले ले आर्ट हम थोड़ा एदे कर, हम थोड़ा बताओ आपसे कैसे करें कि हो जाए। तो आर्ट तब के हम एगो एज ए सब्जेक्ट आर्ट लेनी, तो कर दे हम लाने फिर एगो डिप्लोम लेनी साइड में आर्ट में, और ऐसे ऐसे सीखले गए निशा सीखले गए निशा। वहाँ बहुत दोस्त लोग रहा, बहुत अच्छा अच्छा हमारे प्रोफेसर लोग रहा जो बहुत दिल से सिखावे। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में एगो चीज़ फायदा कि वहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट नहीं होला अपत म्यूजिक फाइन आर्ट एंड डांस, जिन संगतिया रहा रोज जैसे आउटडोर पेंटिंग करे, तो हम काम फजिल के उठ के हमके वहाँ पर यूनिवर्सिटी में शुरू हो गए क्लास हमारे दूसर चीज़ें तो आजे आसान से, तो फजिल के हम ली भाई तो रोज फजिल के हम लोग के संगे पापिए कुलिया बोर्ड लेके जातनी आउट करे, ऐसे करते करते सीख ले गए। मुमकिन के नामुमकिन करे के या नामुमकिन के मुमकिन करे के ये तो हमने के बस की बात नहीं है, बकिर कोनो व्यक्ति के भाग ऐसा आवेला कि उ लोग की जिंदगी थोड़ा सा अलग हो जाला। तो 90 के बाद जब यहाँ हम आईनी तो एग्जीबिशन करनी एक दू गो ताबलो बेचाल, तो एगो बहुत अच्छा हमके आजमा मिलल कि एगो गाड़ी खोल के हवे में जीवन ले जाएंगे। हम शुरू में हम डरात नहीं कि हम एगो लोकल लुए लेके वहाँ पर पौध कानूनिया में हम शुरू करनी आर्ट करे के, तो हम डरात नहीं कि चली नहीं चली कैसे लोकाशों पे ये हुई और कैसे हुई। मैं दौले पागाज दे तो कातमा हम कहला कि नहीं तो अच्छा से सके चले हमारे काम जितना बना उतनी फंस के सब बेचाय लगल, तो वो बगल से हमको बहुत हमको आजमा मिला आज बढ़ते गल। चेतन सिबालक आजकल भारत नाट्यम नहीं करेलन किंतु कलम ब्रश और रंग के कागज या कैनवास पर खूबे नचावेलन। हम ऑफे शुरू में वाटर कलर बहुत कर रहे हैं, लगभग 4-5 बरस सिर्फ वाटर कलर काम कर रहे हैं, मतलब स्कूल में भी और सीखला के बाद भी 4-5 साल तक सिर्फ वाटर कलर करते नहीं, वाटर कलर मतलब ओनली वाटर कलर। उसके बाद एक दो बरस बाद तब पोस्टर कलर में काम करे गुआश, और अभी थोड़ा एक्रिलिक जस्ती करेगा। हम हमेशा कागज भीगा के काम करेगा। वो सब टेक्निक सीख ले हवन, ऑयल एक्रिलिक वाटर कलर, बकिर उनकर एगो छोटा संचार जस्तीबा वाटर कलर की, और चेतन वाटर कलर के एगो उस्ताद भी हवन। और हमके तू बोलबा वाटर कलर के करे, वाटर कलर करे के घर में आंगन में धूप में हम सब जगह सब करे पास की काहे बर्थ है हम सब जगह से, और उसे हम ट्रेन भरने से बस कि जब इंडिया में हम कभी गर्मी हो 40 डिग्री आउटडोर जाते हैं सब में घाम लगता गर्म कर लेगा तो उखर में भी वाटर कलर कर, और कई बार रात के रूम में बैठ के भी वाटर कलर कर। अच्छा वाटर कलर करे के थोड़ा कागज चाहे ना वाटर कलर का कागज, यहाँ तब भी अच्छा कागज मिल रहा जो थोड़ा निमन कागज रही कॉर्ट्रिज में नहीं चाहना वाटर कलर करे के ढेर लापी पर जितना चाहना जो पापी वाटर कलर है वो कर जो बीवे ने करी जो कि कुलेवा रखी और कुलेवा ऑप्लास नहीं रही कुलेवा फैली जमे, और वाटर कलर का जो टेक्निक है तो प्लीजिया टेक्निक है, आपको सूखा में भी करेगा आपको भीगा में भी करेगा, मैं हम हमेशा भीगा में करें।
चेतन जी काफी नाम भी कर ले हवन वाटर कलर के क्षेत्र में। तो चला आज हमने समझब जा वाटर कलर अर्थात पानी के रंग की चित्रकारी। जैसे उसका नाम ही है, जो रंग इस्तेमाल करल जाला वो पानी में पिघलाला, ओके पानी में मिला के काम करल जाला। चित्रकारी जस्ती कागज पर होला बकीर कभी कभार कैनवास चमड़ा या लकड़ी पर भी होला। सामान्य रूप से वाटर कलर जस्ती एगो यूरोपीय और अमरीकी टेक्निक मानल जाला। अब वाटर कलर के इतिहास पर एगो झलक मारब सर। प्राचीन समय से जब आदमी गुफा में रहता हल, दीवार पर चित्र के रंगीन ऐसे ही करल गल बा। हर एगो सभ्यता में वाटर कलर बराबर के कुछ न कुछ बा। पूर्वी एशिया में चीनी जापानी कोरियाई चित्रकला में, भारत और इथियोपिया में भी, इजिप्शियन सभ्यता और रोमन साम्राज्य के दौरान पुस्तक में समझ के आसान करे के वाटर कलर की चित्रकारी भी डालल गल बा। 15वीं सदी में अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ई जर्मनी चित्रकार के पुराने जमाने के सबसे बड़ा वाटर कलर के उस्ताद मानन जाला। वो बहुत चित्र बनैले हवन ओ समय में। बाद में 18वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में वाटर कलर बहुत प्रसिद्ध होल बा। तीन गो अंग्रेजी कलाकार हवन जिनके नाम भुलाए के नहीं चाही, पॉल सैंडबी, थॉमस गेटिन और जोसेफ मालोड विलियम टर्नर। ई लोग वाटर कलर के ऊंचा स्तर पर अनले हवन जा। फ्रांस में वाटर कलर उतना नहीं प्रचलित रहल, ई कारण कि उस समय के वाटर कलर के चित्र जब रखल जात रहल तो उ उजड़ जात रहल। फिर भी पॉल सिंगक और पॉल सेजान कुछ महान चित्र वाटर कलर बनैले रहलन जा। रूसी वसीली किंडिस्की के वाटर कलर भी मशहूर बा। 20वीं सदी में वाटर कलर अमेरिका में पहुंच गल। वहाँ के बहुत चित्रकार लोग वाटर कलर में काम कर ले हवन जा। जैसे समय चलते गल वाटर कलर के बनावे के तरीका में उन्नति होल और उकर रंग बहुत चमकदार बा। वाटर कलर एक ऐसा टेक्निक है, थोड़ा सा मुश्किल है, उकर में मेहनत ज्यादा लगेगा। मैं जब वाटर कलर में तोहर हाथ बैठ जाए नीमन से तो कोनो टेक्निक सब हैंडल करे। वाटर कलर मेन है, खासकर सीखे वक्त जब आदमी सीखे रहा तो शुरू से अगर तुम पक्का हो गए वाटर कलर में तब आगे कोई तो हर रास्ता नहीं सीखे रोके कोनो भी टेक्निक में। बस ये कलर का बहुत ज्ञान होला वाटर कलर से, कलर का मिक्सिंग का ये सब के बहुत ज्ञान होला। सब जितना आर्टिस के एफ्लुएंस भल बा हमार ताबलो में देखब तो कहूँ कहूँ सकेला मालकम दे सरदार भी लग जाए, कहूँ बहुत जी फेमस आर्टिस लग जाए, कहूँ तो मैं मोने के लौकी माचिस के ले फिलौकी तो ये सब बाद में आला। बाद में शुरू में तो जोन हमने सीखले हैं सर देकुल में हवे डेवलपे करेगा इन सर। बाद में जब हाथ पक गल तब कहो कबो गई सर ज्यादा घूमे तो वहाँ पर दूसरा एगो चीज लौकल ऐसा चीज कि हमने के मन कलर हाउस स्टील में काम करेगी। और जरा जीफेगा टेक्निक में कैसे वाटर कलर का टेक्निक है, गुआश है, आकड़िक है, सबके अलग अलग टेक्निक है हैंडल करे के ना। वाटर कलर के काम देखब ओकर फासों अलग है। हवे कागज में जो हम करब गुआश से कमुआ जिफेगा हो जाए कम्प्लीटमा। अभी हम एथी से करब आकड़िक में करब कमुआ जिफेगा हो जाए, आलविल में करब कमुआ जिफेगा हो जाए।
चेतन जी के चित्रकारी पर मालकम दिशाजाल और क्लोद मुनी के प्रभाव पड़ल बा। मालकम हमनी के देशी के एगो महान चित्रकार रहल। उनका जन्म है वाकुआ में, तारीख 12 सितंबर 1902 और साल 1981 में चल गई लनी दुनिया से। जवान मालकम रॉयल कॉलेज क्यूपिक में पढ़ाई कर ले रलन और उकर बाद अमेरिका के बातोगोज विश्वविद्यालय में। उनकर चित्रकारी एगो अलग स्टाइल के है। मानल जाला कि मालकम दिव्य प्रेरणा के एगो चित्रकार रहलन। उनकर चित्रकार उस समय इतना लोकप्रिय रहल कि पेरिस, लंदन, जर्मनी और अमेरिका में भी प्रदर्शित होल बा। 1959 के आम चुनाव रोजिल क्षेत्र में भी भाग ले रहलन। उच्चाचा राम गुलाम के राजनीतिक दल के बगल में रहलन। दूसरा कलाकार जो चेतन पसंद करेलन के नाम क्लोद मुनी है। मुनी और कई फ्रांसीसी कलाकार पेरिस में इम्प्रेशनिस्ट वाद के खड़ा करलन जा। मुनी के ई पेंटिंग जो आव फ्रांसीसी बंदरगाह के चित्र के नाम इम्प्रेशन सनराइज से उकर आंदोलन के यही नाम दिया गल। संक्षिप्त विवरण में दृश्य में प्रकाश के असर के चित्र में उतारल जाला। और एगो फ्रांसीसी कलाकार जो उनके चेतन जी पसंद करेलन है ऑनरी माचिस। माचिस और उनकर और दुगो महान कलाकार पाब्लो पिकासो और मिशेल जुशां 20वीं सदी के शुरुआत के कला पर उन लोग के भारी प्रभाव है। माचिस 20वीं सदी के 50 साल भर कला में बहुत काम कर ले हवन। आधुनिक कला पर उनकर काफी योगदान बा। माचिस फोविज्म स्टाइल के खड़ा करे में आंद्रे जुरेन के साथ बहुत प्रयास दिले हवन। फोविज्म ऐसा स्टाइल है जहां अर्थात तेज और चमकदार रंग के इस्तेमाल होला। जब प्रदर्शनी के बात होला तो बहुत कलाकार उदास हो जालन जा। ई कारण के हमनी के देश में कलाकार की कृति इतना नहीं बिचाला। मगर सिमलंग जे ई दिशा में एकदम भाग्यवान हवन। उनकर पहले ही प्रदर्शनी से ही चमत्कार हो गए। 92 में आई नहीं भारत से तो एगो मैडम आके सैन डिप्लोम से मैडम अनाबेल वो आके हमसे रिक्वेस्ट कला कि तुहर वाटर कलर सुनना ही अच्छा बात थोड़ा दे दे हम के एग्जीबिट करी तो 5 गो वाटर कलर के दे रहे तो जो दिन वहाँ एग्जीबिशन भर पहला एग्जीबिशन हमार वहाँ ग्रुप में बढ़ल ढेर कोई आचिस के लगभग 20-25 आचिस के दल रहे से तो हम तो यहाँ से 20 में गल हैं तो जाते जाते वहाँ देरी हो गल सीजे ओपनिंग रहा तो शर्मा जब हम सीजे कैंस में गई नहीं तो उस वक्त हम ना हम कोई के पहचाना तो नहीं आचिस लोग मोशन होके ना कोई आचिस लोग हमके पहचाने सब नवा चेहरा रहा शर्मा हम जब गल है तो हमारे सब तब बिचार रहा तो बहुत खुशी हल ले लो दे में ढेर कोई हमारे घरे आए लगल ताबलो खोजे तो उस सबसे हमके बहुत अंकुगासमा मिलल। ओकर बाद एक्सपोजिशन करनी शहर में करनी एगो और इसे ग्रुप में तो ढेर कर रहे याद नहीं बा बहुत ढेर कर रहे फिर लैंड में करनी एगो एक्सपोजिशन फिर सिंगापुर में कर रहे हैं दुबई में कर रहे हैं सोलो में तो है बाबा। हर उनका चित्र के एगो विशेष चरित्र है। कोनो चमकदार तो कोनो से उदासी महसूस होला। कलाकार के अपन जो दिल और दिमाग में चलेला उ लोग चित्र में उतार देवेलन जा। सकब से बोली कि चित्रकार अपन कहानी चित्र के जरिए दुनिया के बतलावेलन जा। समय के अनुसार है कबो समय में ब्राइट रहेला कबो समय में ब्राइटनेस चला भी जाला तो ब्राइट मतलब मूड के ऊपर और समय के ऊपर है सब। जितना कलर का महत्व है हमारे खातिर मेन तो जो है लैंडस्केप में कलर हम काम करना दापे एटमोसफियर ऐसे हम कबो लैंडस्केप करते नहीं वहाँ पर का दिग्रे में आउटडोर गर्म करता तो ऑटोमेटिक हमारे जो कलर हैं वो सौजे हो जाए जो हमारे रजिलता मिले ताबलू में ऑटोमेटिक वह कुलर जिफे और है। पानी के रेपोक में करते हैं पानी बरसा था तो पर जाकर हमने वो कर रात के कर वो तो ऑटोमेटिक वो कुला कुलेवा सौंसे जाए तरंग सौंसे जाए और जब घर में बैठ के करब तब मूड के ऊपर कैसन मूड रही कभी खुशी खुशी मूड रहेगा
कभी ज़्यादा कलर फ्रेश रख जाला, कभो कलर डल हो जाला। मैं फिर भी जो भी बनाए ना सर, हमार मेन ऑब्जेक्ट रहला, चाहे वो डल कलर हो, चाहे फ्रेश कलर हो, चाहे कैसा भी हो, ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द स्पॉट काम कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा बहुत इंटीरियर में घर में बैठ के करी ना, मैं जब घर में बैठ के करी ना तब सब दिमाग से, मतलब कोनो चीज जहाँ हम कैप्चर कर रहे, का होला कि कैसे हम गल हैं समुद्र घूमे कि कहूँ भी गल हैं, हमके कोनो एगो ऐसा स्पॉट लग गल तो तुच्छ तो हम आके ओके नहीं बनाए रहा, वो दिमाग में घूमते रहला। कबो एक समय घूमी, कबो दो दिन घूमी, कबो महीना दिन घूमेला, कबो एक बरिस से कौन चीज़ दिमाग में घूमता वो कहूँ बा, बीच बीच में उभर जाला, फिर चुपचाप रहला एगो ऐसा सीनरी या एगो ऐसा आइडिया। तो वो जब समय होला कागज़ में डाले के, अगर हम कबो देख रहे हैं पहले और ओके हम अभी अब कागज़ में डाले हैं एक बरिस बाद कि दो महीना बाद, तो अपन मन से जा रहा था जो हमारे दिमाग में बैठल बा। तो जब हम ओके कागज़ में डाला था कि कैनवास में डाला था, तब हम नहीं सोची ना कुछ, ढेर सोची ना नहीं, मतलब कि हुआ ऐसे रहल, हुआ ऐसे रहल, हम सब नहीं सोची ना। हम जोन हिया बा बस कलर लगावे बखत भी हम नहीं सोची, जब मूड आल बस मूड की इम्पोर्टेंट। एगो जो दिमाग में, मतलब तोहर मन में जो अंदर से जब एगो समय चला कि हाँ मन करता कुछ करे के, तब बन जाएगा कोनो ओका खातिर। रात नहीं है, दिन नहीं है, बखत नहीं है, कोनो बखत। 5 बजे उठ के यहाँ ढेर ताबलोबा जहाँ हम 5 बजे उठ के कर रहे हैं, यहाँ ढेर ताबलोबा जो हम खा पी के सुते के आगे कर रहे हैं, और ऐसा ढेर ताबलोबा जो कि दिन में कर रहे हैं, सांझ के कर रहे हैं, कोनो इसके समय के कोनो ज़्यादा उन्हें। जब इंटीरियर करी ना तब है, जब घर में करी ना या वही सीजियो में कि गार्डन में बैठे काम करी ना, तब समय के ज़्यादा महत्व नहीं है, मूड के महत्व ज़्यादा है। एगो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा, हम हमेशा कोनो चीज़ नवा करे खोजिला, नया नया चीज़ करे खोजिला, नया एक्सपेरिमेंट, नया टाइप के ताबलो करे खोजिला। उ खातिन हाँ ये बात, बाकी जो आगे पहले शुरू में करत नहीं वो अभी भी करेगा, मैं बीच बीच में नया हम करे खुशी रहेगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक एक पर ध्यान देना, बस कि हम एक पर जीना है, ये हमारा मतलब जिए के हमारा रास्ता है, कि हम जब लेकर हमारा ताबलो नहीं बेचब तब हमें खाए के नहीं मिली। तो उ खातिर हमार जो ग्राहक है, जो खरीदार हमारे क्लियो है, उन लोग के हमके पहले जाने के थोड़ा सुन उन लोग कौन चीज़ चाहेगा, तो उ अनुसार भी पहला काम करके। कभी कभी ऐसा होला कि कोनो काम हम 10 बार कर दे रहे हैं कि कैसे ढेर काम एक दो बार यहाँ पर जो कि औसन काम हम कर रहे हैं पहले, अब मन नहीं करा करे के। मैं ऐसे ऐसा आदमी आवेला जो बोला नहीं हमको है ये चाहेगा, तब परेला करे के मैं जस हमने के जीवन में जाए खातिर। मैं पर्सनली हम तक खुशी में हमेशा नया नया काम करेंगे। अब हमके पहला उम्मीदे हवो को तो ध्यान लेके, बस कि हवे हमारे को रास्ता है हम जिए के। ढेर मुगुशियाँ वो इतना से हमारे लगभग 2000 से ज़्यादा ताबलो लेवोप में है, 2000 से ज़्यादा, और मुगुश में कितना हमें नहीं जाए ना। हमारे ढेर अचीज के काम है, ढेर एगो ताइलैंड के अचीज बहुत फेमस मर घर बेचारा, वो का काम बहुत महंगा बेचारा अभी, और लेपोक में जब हम किन ले नहीं तो लगभग 30-40 हज़ार रहा, और अभी तो बहुत महंगा हो गया होगा काम ओकर कलेक्शन में बा, ओका काम बा हमारे लगे। सिंगापुर के अचीज के बा, और लैंड के ढेर अचीज के रख रहे हैं जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी में से किने हैं, और दिल्ली से खरीद ले नहीं एक दूगो जो अचीज अच्छा फेमस वहाँ से, और मुगुस के MGI में जब एक्सपोजिशन होला एक दो वाला खरीद ले हैं, और ऐसे भी एक दो अचीज के खरीद ले हैं।
हर चीज तू जा लेवोप में कि लैनवे में जीवा अमेजिंग अमेजिंग चाहे बोले कि आदमी इतना लेक एक्सपोजिशन के दिन तक तो रहा कौतने रही तक घुसे नहीं अंसर और ऐसे रोज आदमी भरल बा हमें कि सबको नहीं सकला कि नहीं मैं वहाँ पर आदमी देखे आवेला बहुत मतलब अप्रिशिएशन करे के बहुत आदमी बा मैं मोजिस में अप्रिशिएशन वाला आदमी नहीं बा हमने के जो जनता बा पब्लिक बा ओके लोग के चाहला हाई कोतवा में थोड़ा डाइवर्ट हो के कि आर्ट कल्चर म्यूजिक में थोड़ा ध्यान दे के ये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है वो सोसाइटी में हमारे गाँव में जैसे टूरिस्ट आवेगा सीजन पर दे पा कि कोनो सीजन में ढेर आदमी रहेगा कोनो सीजन में कमती आदमी रहेगा सब सीजन पर है और मवेशियाँ भी आवेला आजकल मवेशियाँ अभी एक दो गो मवेशियाँ ऐसे अब शुरू होता थोड़ा पेंटिंग के बारे में जानकारी दे के देखे के मैम खरीदे नहीं सके सर तो देखे आवेदन सर तो कर मैं बहुत खुश हो चेतन जी अपन चित्रकारी पर बहुत जोर देवेलन कभी कभी कैरागर गांव भारत में जहां वो पढ़ाई कर ले हवन जाके अकेले ध्यान लगा के 200 दिन चित्रकारी करेलन वो खोजेलन हमेशा नयापन आने की चेतन जी मानेलन कि हर एक व्यक्ति के चाहेला कोई कला करे के थोड़ा वो ये भी मानेलन कि कला हमनी के एगो बेहतर इंसान बनावे में सहायता करेला हमनी के दुनिया के हमनी के जीवन के और हमनी के समाज के भी अभी तक जितना परिवार बा मॉरिशस में सगवा बोले 90% पढ़ल लिखल बा एडुकेटेड तो उ लोग के चाहेला कम से कम उ लोग नहीं कर ले सर या उ लोग के खुद अपन बच्चा के भी एकर कला के प्रति उन लोग के इंटरेस्ट जगाए के उन लोग के भेजे के सिखाए के जब लड़का से सीखियन सर तब ना बड़ा होकर उन लोग के इंटरेस्ट है कि हम देखिए हम छोटा में सीख रहे हैं कौन सी है कला कौन सी है म्यूजिक कौन सी है हमने के भेंट होल चेतन जी के घरे उनकर घर से तक कला की खुशबू आवेला इतना कृति हिया हुआ पड़लवा उनकर जिंदगी के हर एक पल कला में ही पड़ल रहेला एक्जैक्टली हमारे स्टूडियो है यहाँ पर काम करना जस्ती हमारे जो गैलरी है वो पत्रकारिया में है यहाँ पर हमारे स्टूडियो है काम करना और हमारे घर है और यहाँ हमारे तबलुबा और दूसरे और चीज़ के एक आध गो कलेक्शन में जो है हमारे वो भी एक्सपोज रखना हम वो जो हमारे पर्सनल कलेक्शन हमारे जन्म हिये पर भल बात त्रियोले में जस्ट समझ अभी जहाँ पर हैं सर स्टाशना पुलिस के जस्ट पास में उस जमाने के और अभी के तो पूरा फर्क आ गया था ना पहले तो यहाँ पर चारों तरफ खेत रहा है खेत में इधर हमने छोटा में घास काटा थे नहीं सर और यहाँ पर गुयाब रहा गाछी सब गुयाब तो रहते नहीं सर और बहुत बच्चा भी ढेर रहा उस समय सब बच्चा रोज सांझ के खेत में खेले जाते नहीं सर और जमाना ही दूसरा रहा अभी तो बच्चा भी कम हो गल बा और सब कुछ कम हो गल बा टाइम भी लिमिटेड हो गल बा तो पूरा हर चीज़ समय के अनुसार बदल गल बा